योगी सरकार ने बनाई एक ऐसी योजना, अब सड़कों पर भटकते नजर नहीं आएंगे गोवंश, हर घर से निकलेगी गाय के लिए रोटी, गोवंश को गोद लेगी जनता, गाइडलाइन तय कर शुरू किया अभियान। नमस्कार, मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। यूपी की योगी सरकार ने अब एक ऐसी योजना बनाई है जिससे सड़क पर कोई भी गाय भटकती नजर नहीं आएगी। योगी सरकार ने इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए कड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित गोवंश को पहले से संचालित गो संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाने, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने और समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को इसे अपनी प्राथमिक सूची में शामिल करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार प्रदेश भर में सड़कों पर निराश्रित गोवंश की तादाद बढ़ने की शिकायतें मिली। इस पर सीएम ने पहले ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद काफी सुधार देखने को मिला और अब योगी सरकार ने इस दिशा में और तेजी से कार्य करना शुरू किया है ताकि प्रदेश की सड़कों पर एक भी निराश्रित गोवंश ना दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठकों में अधिकारियों को निराश्रित गोवंश और सुरक्षा को देखभाल का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में गो आश्रय स्थल बढ़ाने को कहा। मालूम हो कि वर्तमान में प्रदेश भर में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,889 आश्रय स्थल संचालित हैं, जिसमें 6,346 ग्रामीण और 543 शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं। वर्तमान समय में 11,82,949 निराश्रित गोवंशों की देखभाल की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश भर में गो आश्रय बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि इसे कैबिनेट में शामिल कर बजट जारी किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने गोवंश आश्रय स्थलों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन मजबूत करने के लिए, जिससे आश्रय स्थल की स्थिति में सुधार ला सके। वहीं सीएम योगी ने हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गोचर भूमि की जियो टैगिंग एवं कब्जा मुक्त करार का नेपियर घास लगवाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को गो स्थल स्थलों पर रहने की उचित व्यवस्था कराई जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के टूटे हुए कैटल स्टेट की मरम्मत कराने के साथ साथ खंड जा इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ये काम करने वाले मजदूरों को मानदेय बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। आश्रय स्थल से संबंधित सभी जानकारियों को पोर्टल पर अपडेट करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि किस गो आश्रय स्थल पर कितने निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है और वहाँ पर कितने गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी द्वारा समय समय पर आश्रय स्थल पर निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। वहीं अधिकारियों द्वारा ऐसे हॉटस्पॉट का भी चिन्हांकन होगा जो निराश्रित गोवंश के लिए अत्यंत जोखिम वाले हैं। इनमें नगरी मंडी और नदी तट आदि शामिल हैं। घर में बनने वाली पहली रोटी, पहला आटे का चोकर गाय के नाम से निकाला जाएगा। गोवंश को गोद लिया जाएगा। इसके लिए गो प्रेमियों को मासिक और सालाना शुल्क देना होगा। इस पैसे से गुड़, सेंधा, नमक साथ साथ पशु के लिए चारा आएगा। शहरी इलाकों से लेकर देहात के क्षेत्रों तक गोवंशों के भरण पोषण और स्वास्थ्य परीक्षण उपचार और गौशाला की आय सृजन के लिए गोमय उत्पादों, बायोगैस, कंपोस्ट खाद, गोमूत्र आदि उत्पादन बिक्री करने की कार्य योजना बनी है। नगर निगम अधिकारियों को इस कार्य योजना के तहत अभियान चलाने और लोगों को जागरूक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर आदित्य तिवारी ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थलों को निराश्रित बेसहारा गोवंश के विचरण से निकाय की अवस्थापना, सुविधाओं में होने वाले नुकसान और जनमान्य को होने वाली असुविधा, गोवंशों की प्रतिकूलता को रोकने के लिए कान्हा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं का संचालन नगर निगम खुद संसाधनों से करता है, सुशासन से अनुदान धनराशि से जरिए जाता है। इसलिए अब शासन ने गोवंश के भरण पोषण के शहर के हर नागरिक के योगदान को शामिल किया है। गौशालाओं के संचालन का बोझ नगर निकायों पर ना पड़े और गोवंश का भरण पोषण में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, आए दिन शहर से लेकर देहात तक गोवंश को गोद लिए जाने के नगर निगम अभियान चलाए जाएंगे। इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में अभियान शुरू किया जा रहा है। शासन देश पर पहली रोटी गाय को आटों का चोकर के साथ अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के 80 वार्डों में अभियान की रूपरेखा तैयार है। पार्षदों से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अभियान के तहत शहरवासियों से रोटी चोकर को इकट्ठा किया जाएगा। गौ ग्रास सेवा योजना के तहत गौ प्रेमियों को गोवंश को गोद लेने का अभियान चलाया जाएगा। उन्हें मासिक या वार्षिक शुल्क देना होगा। 600 रुपए मासिक और 7200 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। जो भी पैसा इकट्ठा होगा इसे गोवंश के लिए गुड़, सेंधा, नमक, चोकर, हरा घास दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।